सच्चे दरबार की जय जय। तो भाई ये बॉयज ट्रिप होने वाली है, बोर्नमाउथ एंड डडलडो, लेट्स गो। सो हम लोग यहाँ बोर्नमाउथ पहुँच चुके हैं और इधर सामने ही है बीच, तो वहाँ जाएंगे और थैंकफुली धूप निकली हुई है अभी। ये क्या? अच्छा यहाँ गोल्फ वगैरह खेल सकते हो, मिनी गोल्फ, नाइस। और हर एक बीच पे, हर सिटी में एक ऐसा झूला तो रहता ही है। और इसकी प्राइस होगी ऑलमोस्ट 15 to 20 pounds। ऐसे ही एक दो चक्कर कटवाता है इसमें और फिर उतर जाओ आप। और यहाँ पे सैंड बीच है जो कि यूके में बहुत कम देखने को मिलती है। भाई ये पियर पे जाने के इन्होंने टिकट लगा दिया है, ये क्या बात हुई? आई डोंट लाइक इट, हम नहीं जा रहे भाई, इट्स फाइन। दिल समंदर, दिल मेरा दिल समंदर। रुको भाई हम भी आ रहे हैं, इतना इतने पे तो आ सकता हूँ ना, जींस गीली नहीं होगी तो वहां तक नहीं आऊंगा ना। ओ भाई, ओ 0 degrees है, बहुत ठंडा यार, बहुत ठंडा। विपुल को बहुत मजा आ रहा है यार। क्या 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 करना है बताओ, आपके पैरों में पानी लाना है, पैरों में हमारे पानी है इतना, बहुत सिंपल ही है कि तुम्हें यहाँ से लाओ, ठीक है? और मैं यहाँ से आऊँगा। ऑल राइट मेट, उधर खड़े हो, उधर जाओ। So, अब इस बीच पे हमें लगभग 35-40 मिनट हो चुके हैं, खूब सारी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ऑलरेडी डन। नेक्स्ट स्टॉप होगा डडल डोर, जो कि यहाँ से कुछ आधे घंटे है, तो बस थोड़ी देर में अब निकलने वाले हैं यहाँ से। तो सर शुरू में आप डिसअपॉइंटेड थे कि हम भी आपको ऐसे बीच पे ले आए, अब आपको कैसा लग रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, अब चले सर। कहाँ चल रहे? अरे नहीं भाई, 1 घंटे के अंदर निकलना है। प्लान में थोड़ा चेंज है, हमने यहाँ पे अपना स्टे 1 घंटे और बढ़ा लिया और मैं कार से पत्ते लेने जा रहा हूँ, वोट पीस खेलेंगे भाई यहाँ पर। ऑब्जर्वेशन व्हील का प्राइस है 8 pounds, आई मीन ठीक है, इट्स नॉट लाइक 15-20 pounds, बट कोई फ़ायदा भी तो नहीं है यार इस पर जाके, बस थोड़ा सा शहर का व्यू मिल जाता है। ओके चलो भाई, तुम्हारी सख्त ज़रूरत है वहाँ पे बीच पे। और क्या पान की ट्रंप है? वो दे रहा है, बोला खाने को तो दे रही है, फोटो ले। सो वी आर हियर, यहाँ नीचे तक उतर सकते हैं हम? ओके और इधर क्या है? तो यहाँ से चले जाओ, उसमें क्या, इधर से जाओ और फिर उतर जाओ नीचे।
दिस इज ललवर्थ को। ओके धूप निकल आई भाई, धूप निकल आई। ओह माय गॉड अमेजिंग मैन। हमारे दूसरे सिपाही जा रहे हैं, आपको क्या लगता है जा पाएंगे? जाना ही नहीं चाहते। हमारे स्पाइडरमैन तक वहां तक तो वेल इट वाज सिंपल। चलो लेट्स गो फर्दर। काफी डेयरिंग था भाई नीचे तक आना, हमारे लिए तो यहीं तक बहुत डेयरिंग था, बट वीजी तो एकदम वहाँ तक पहुँच चुके हैं भाई। ये देखो वो हमारे स्पाइडरमैन सुपरमैन एकदम नीचे तक पहुँच चुके हैं। आ जाओ प्लीज ऊपर आ जाओ, अब चलते हैं, लेट्स गो। निकल चुकी है अभी। इट्स फैंटास्टिक वेदर टू बी आउट नाउ एंड आई बिलीव डॉटर डोर जाएंगे अभी। देयर इज पेबल बीच ओवर देयर और इट्स गोइंग टू बी सनी थ्रू आउट। तो ये जो घर सामने दिख रहे हैं कम से कम 250 साल पुराने घर हैं। को कॉटेज के बज गए 5:30 और अब हम लोग करेंगे लंच। निकालो पराठे। एंड थैंक्स टू प्रियंका एंड सुभाष, सुबह सुबह ये पराठे बनाने के लिए और हमारे हमें पैक करके देने के लिए प्लस परमिशन देने के लिए भी आपको लेके जा सकते हो। ओके अब हम लोग डर्डल डोर की तरफ जा रहे हैं वॉक करते हुए और सूरज चाचा पूरा निकल चुके हैं बाहर। अब इनको कोई बादल रोकने वाला नहीं है और ये ऐसे ही निकले होंगे शाम तक। वहाँ से पैदल चल के आ रहे हैं वहाँ पे और यहाँ तक आते आते हमने तीन स्टॉप के ले लिए हैं सब। और अभी इतना आगे अब ये तो बस लाइक अंदर 50 स्टेप्स अब चल सकते हैं। थोड़ा सा संतर हो गई तो इस तरफ है वो और अभी हम यहाँ तक ऊपर चढ़ के आए हैं और दूसरी तरफ अदर साइड ऑफ दिस इज डर्टल डोर। हम आपका पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे बिल्कुल एज सून एज यू गो ओवर देयर और वहाँ से आपको जब आपको वो शेप दिख जाए यहाँ का तब आप बताइएगा या आपको कैसा लगा हम इसके लिए इतनी दूर आए हैं। ठीक थैंक्स भाई। जून 2019 में लास्ट टाइम आया था मैं इधर और आज अप्रैल 2023 में आया हूँ। अब बीच की तरफ जा रहे हैं। बीच पे जाने से पहले देयर इज अ व्यू पॉइंट जहाँ पे अभी फुल फोटोज क्लिक करवा रहे हैं।
पॉइंट को अगर आप इमेजिन करें थोड़ा सा, ऐसा मान लो कि आपका बाकी दिन समुंदर में और इधर थैंक यू सो मच मिस्टर सन, भाई दिन बना दिया आज सूरज ने। बहुत सारी फोटोग्राफी हो चुकी है यहाँ पे, बहुत सारे फोटोज क्लिक कर चुके हैं। अभी भी एक आध स्पॉट बाकी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ फोटोज एंड देन वापस, क्योंकि 8 बजे तक अपने को जाके गाड़ी उठानी है और वापस निकलना है। जल्दी से खींच लो भाई यहाँ पे फोटोज एंड देन वी हैव टू गो। इधर से है भाई अपना वापसी का रास्ता, समुंदर के किनारे किनारे जाना है अपने को और वहां पे आई होप जमीन हो नहीं तो ऐसा हो सकता है हो सकता है वहां पे हमें नाव की जरूरत पड़ जाए। यस क्या दूर से लग रहा था कि ये पानी यहां तक आके टकरा रहा है, बट हम आराम से निकल सकते हैं यहां से। गुड वन गुड वन, चढ़ाई से बच गए। इट्स अ फोटोग्राफी स्पॉट आल्सो, बट हम रुकेंगे नहीं यहां ज्यादा देर। हिडन जेम्स ऑफ द अटर डोर। इट्स ट्रिकी, जल्दी आ जाओ यार, मेरा तो जूता भीग गया भाई यहां से आने में। भैया गलती होगी देखो सर, एक एक जूता गीला होगा आपका जरूर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेट वेट वेट। बहुत ही एडवेंचरस था भाई ये तो इस रास्ते से आना, लेकिन इसने बहुत टाइम बचा लिया। शुरू में जो हम पैदल चढ़े थे वो इस पहाड़ी के टॉप तक चढ़े थे और फिर नीचे उतरे थे। नाउ वी आर जस्ट गोइंग लाइक दिस स्ट्रेट और यहाँ से जाके लेफ्ट ले लेंगे। अभी सनसेट का टाइम भी हो रहा है तो पीछे का व्यू यू कैन सी कितना प्यारा लग रहा है।
और अब ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी थोड़ी देर। लेकिन पीछे का व्यू देखो यार, पीछे का व्यू देखो। फाइनली हम इधर आ चुके हैं, इधर ही कार पार्क्ड है हमारी। हाँ यार गेट तो नहीं खुला है, बस खड़े रहो थोड़ी देर, एक सेकंड। भाई साहब दिस इज कॉल्ड स्वैग।